Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार यानी कि मुख्तार अंसारी की लगातार अलग अलग मामलों को लेकर पेशी होती रहती है। कभी गाजीपुर तो कभी मऊ के जो कोर्ट्स हैं वहां पर इनकी पेशी होती है और लगातार मामले की सुनवाई जो है वो तेजी से नजर आ रही है। इस कड़ी में एक और बड़ी खबर मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। जी हाँ, बात करें तो मुख्तार अंसारी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया है और ये चेहरा बांदा जेल से बाहर का है। जी हाँ, बात करें तो बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी को सोमवार को लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए उनको बांदा जेल से लखनऊ ले जाया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को कोर्ट परिसर में लाया गया और कोर्ट ने 19 अप्रैल को मामले में अगली तारीख दे दी है। लखनऊ की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग की पेशी हुई 19 अप्रैल को मुख्तार से जुड़े मामले की सुनवाई फिर से होगी। अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को फेस किया गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी कोर्ट में मुस्कुराते हुए नजर आए। ट्रैक सूट पहने हुए मुख्तार सुरक्षा घेरे में नजर आ रहे थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ मार्च 2021 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर ईडी के अफसरों ने पूछताछ करने के बाद बयान भी दर्ज किया था। और इस मामले में ईडी की टीम ने मुख्तार के परिवार के अन्य सदस्यों से भी पूछताछ कर चुकी है। मुख्तार के दोनों बेटों के साथ ही भाई अफजाल अंसारी, सबुकतल्ला अंसारी और भतीजे से भी पूछताछ हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अलग अलग मामलों में मुख्तार अंसारी की पेशी हो रही है, कई सारे मामलों में उनको सजा भी हो रही है, लेकिन इस कड़ी में जब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया तो उनके चेहरे पर थोड़ा भी शिकन नजर नहीं आया और वो मुस्कुराते नजर आए, जिसके बाद तमाम उनके जो चाहने वाले लोग हैं इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। बाकी इस तस्वीर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।